माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी कैसे हैं? और आज आपको रमजान, दूसरी रमजान की मुबारक हो। और आज अभी हम उठे हैं शहरी के लिए, तो अब हम आपको दिखाते हैं आज हम शहरी में क्या क्या खा रहे हैं। आज भी हम शहरी में पराठे खा रहे हैं, आलू भजा, आलू भुजिया, और ये पापा जी खाते हैं दूध जलेबी। ये सूखा जलेबी है, सूखा जलेबी को रात को दूध में भिगा के रख देते हैं, बहुत यम्मी लगता है, मैं भी टेस्ट करती हूँ। और यहाँ पर भैया कर रहे हैं, आप लोग ना ये वाला नाश्ता करा करें, इससे ना पूरा दिन पेट भरा रहता है। मैं तो यही वाला नाश्ता करती हूँ। हम लोग उठे थे और अब मैं नहाऊंगी, इस वजह से पहले मैं कपड़े प्रेस कर ली हूँ। आज मैं ये वाली ड्रेस पहनने वाली हूँ, देख सकते हैं। तो इसको इस्त्री करनी है, तो मैं इस्त्री करके नहा धो के फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ट्यूशन से आ गई हूँ और सुबह मैं नहा धो के रेडी वेडी होके फिर ट्यूशन गई। और कल मुझे बिल्कुल भी रोज़ा नहीं लग रहा था, आज मुझे बहुत रोज़ा लग रहा है, क्योंकि मैं ट्यूशन गई थी ना, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है मैं बार बार पानी पी लूँ, लेकिन मैं पी नहीं सकती। और आधा घंटा बचा हुआ, आधे घंटे के बाद वैसे भी रोज़ा खुल जाएगा। तो अभी देखते आपको हम दिखाते हैं कि कैसे हमारी रोज़े की इफ्तारी की तैयारी चल। हमारे ये प्लेट सज चुका है, आज भी हम फ्रूट्स खाएंगे, लेकिन आज अंगूर भी आ चुका है। ये मेरी मम्मी का चाट आ गया है, और ये ब्रदर का वो आ चुका है, और ये आज बनाना शेक खा रहे हैं। मुझे भी थोड़ा सा टेस्ट कराना, ओके प्लीज। और यहाँ पर मम्मी ने चाट मसाले में चाट डाल दिए, नहीं चाट मसाला डाल दिए। और यहाँ पर ये आज कुछ स्पेशल बन रहा है चाट। आज पकोड़े नहीं बन रहे, लेकिन पकोड़े फिर भी थोड़े से बना रहे हैं। हाँ, कल बहुत सारा बना लिया था ना, इस वजह से थोड़ा सा बचा था, वही खाएंगे हम आज, ज़्यादा नहीं बना रहे। मम्मी बोल रही है ज़्यादा ऑयली ऑयली मत करो, तो इस वजह से आज बना, कल पेट वो भी हो रहा। हाँ, कल पेट में दर्द भी हो रहा था, तो आज हम बना रहे हैं चाट। तो देख सकते हैं मम्मी तीनों के लिए अलग अलग बना रही है, मेरे लिए उबले हुए चने है। ये किसका है भैया का? ये मेरी है, ये आपका है।
इसमें उबला हुआ है और मिर्ची है, टमाटर है और प्याज है, बस हाँ, गुरा गुरा मिर्ची है। और ये और मेरे मेरे में कच्चा, एक कच्चा चना भी है, पक्का चना भी है, उबला हुआ है, गाजर है, मूली है, प्याज है, हरी मिर्च है, सरसों के तेल है, नमक है, और भैया की कच्चा चना है, प्याज है और मिर्ची है, हरी मिर्च और गुड़ा मिर्च। बेचारी मम्मी को तीनों के लिए अलग अलग बनाना पड़ रहा है। और फ्रेंड्स इसका आज ढक्कन का है, इसका आज मैंने बिल्कुल हेल्प नहीं करी, बिकॉज आज मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। और भैया को बोल रखा है कि आप लोग इफ्तारी के तक कर लेना इंतजाम, मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं ट्यूशन से आऊंगी, एक तो इतनी थक जाऊंगी, ऊपर से हो सकता है कभी मैं लेट भी हो जाऊँ, इस वजह से आप लोग तैयारी करके रखना, मेरा कोई वो नहीं है। तो फिर हम मिलते हैं इफ्तारी के वक्त। देख सकते फ्रेंड्स मेरे भैया कितना मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज ना जो हमारा मिक्सी था ना, जो मिक्सचर करने के लिए होता है, तो वो ना सेकेंड हैंड था, इस वजह से ना वो ख़राब हो गया, पुराना था, सेकेंड हैंड था, इस वजह से वो ख़राब हो गया, तो आवाज़ आती है इस वजह से वो ख़राब हो गया। तो मेरे भैया को कल से बोला कि बनाना सिखाना है, तो उसने, मम्मी ने बोला अब मिक्सी तो है नहीं, फिर कैसे बनाएगा, कह रहे मैं बना लूँगा, बस आप मुझे बनाना दूध दे दो। तो फिर देखिए मेरे भैया कितनी मेहनत से कर रहे हैं इसको, आप लोग इनको देख के तो हमें सपोर्ट करिए। देखिए हम तो कोई बहाना नहीं बना रहे ना, हम तो सच बोल रहे हैं, तो फिर आप तो इन सबको देख के तो हमें सपोर्ट कर ही सकते हैं ना। फ्रेंड्स अभी साइलेंट बजा था और अभी हमने रोज़ा खोला है, मैंने खजूर पानी पी लिया है, शरबत पी थी मैंने, तो अब मैं खाना शुरू कर रही हूँ। मैं सबसे पहले लेती हूँ बनाना। क्या बनाना? क्या जी क्या बनाएगा? अरे बनाना ये बनाना है, बनाना। अच्छा जी, तो अब क्या बोलूं, क्या बनाना है? अरे बनाना, केला बनाना। अच्छा वो बनाना, जैसे खाना बनाना है तो खाना बना लो ना। अरे मैं को नहीं बनाना खाना, क्यों? मैं थक गई हूँ। मेरा पकौड़ा निकालो, दिस इज योर पकौड़ा। चलो फिर हम लोग इफ्तारी करने के बाद। फ्रेंड्स अभी मैं तरावी नमाज़ के लिए रेडी हो चुकी हूँ, मैं तरावी नमाज़ के लिए जाऊँगी। और क्या नाम है, सॉरी, जो हमने इफ्तारी करके मगरिब की नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा हम वो मोबाइल देख रहे थे, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही रह के फिर हमने मोबाइल देखा, उसके बाद अब अजान हो गई है, तो फिर हम चलते हैं तरावी नमाज़ के लिए। और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ पूरी, तो फिर चलते हैं, मिलते हैं, और फिर मैं आके मिलूँगी, क्योंकि वहाँ पर मैं वीडियो नहीं कर पाती इस वजह से। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं सब लोग। अभी वीडियो नहीं बना सकते ना, देख मुझे टोक सकते हैं, तो हम लोग कम भी नमाज पढ़ते हैं। चलिए रमजानों में देखा है कि बावजूद और मगरिब के बाद नवाफिल में सवा पारा पढ़ना और क्या सुनना, और इसके बाद आधा घंटा खाना वगैरह ज़रूरियात के बाद हिंदुस्तान के क़याम में तकरीबन 2-2.25 घंटे तरावी में खर्च होते थे, और मदीना पाक के क़याम में तकरीबन 3 घंटे में इशा और तरावी से फारिग होते। इसके बाद आप इख्तिलाफ़ मौसम 2-3 घंटे आराम फरमाने के बाद तहज्जुद में तिलावत फरमाते और सुबह से नसफ़ घंटे सहर तनावल फरमाते। इसके बाद से सुबह की नमाज तक कभी हिफ्ज़ तिलावत फरमाते और कभी तिलावत फरमाते और कभी ज़ाइफ में मशगूल रहते। इस बार यानी चांदनी में सुबह की नमाज़ पढ़कर इशाक तक मुराकिब रहते और इशाक के बाद तकरीबन 1 घंटा आराम फरमाते। इसके बाद से तकरीबन 12 बजे और गर्मियों में 1 बजे तक बज़ुल मजमूद तहरीर फरमाते और डाक वगैरह खत लिखते, जवाब लिखते। इसके बाद ज़ोहर में नमाज तक आराम फरमाते और ज़ोहर से असर तक तिलावत फरमाते, असर से मगरिब तक तस्बीह में मशगूल रहते और हाजरीन से बातचीत भी फरमाते। बातचीत ख़त्म होने के बाद सुबह के कुछ हिस्सा तिलावत में और कुछ किताब बनी में बुजल मजबूद और वफा ज़्यादातर इस वक्त ज़ेर नज़र रहती थी। ये इस पर था कि रमज़ानुल मुबारक में मामूलात में कोई ख़ास तगर्रुर ना था कि नवाफिल का ये मामूल
दायमी था और नवाफिल मज़कूरा का तमाम साल भी अहतमाम रहता। अलबत्ता रकात के तवूल में रमज़ानुल मुबारक में इजाफा हो जाता था, वरना जिस आकाबिर के यहाँ रमज़ानुल मुबारक के खास मामूलात मुस्तकिल थे, इसका इत्तबा तो हर शख्स से निभाया भी नहीं जाता, निभाना भी मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, मैं निकल चुकी थी किताबें नमस्ते पढ़ते और वहाँ पर ना वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। आज पहले थोड़ा बहुत कर लेती हूँ और मैं जब आज वीडियो ओपन कर रही थी ना, तो वीडियो को जब वो क्लिक करते हैं ना, तो फिर वो बोलते हैं आवाज़ होती है, इस वजह से ना मैं वीडियो करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आवाज नहीं आती आसानी से कर देते, और लाइट बंद हो जाता तो मैं नहीं कर पाती। और फिर अगर वीडियो ऑन भी कर दें ना, तो फिर हम वीडियो बनाने में काबिल नहीं रहते, क्योंकि ना अगर वीडियो बनाएंगे ना तो उनके साथ से समझ आता है वीडियो बनाए, और फ़ोन रहता है तो फ़ोन हाथ में ऐसे ही रहता है, ना कि ऐसे उठा हुआ रहता है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर भी मैं आप सभी के लिए थोड़ा बहुत वीडियो कैप्चर कर लेती हूँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं घर पर। गुड नाइट।